अब देखिएगा, एट आइडेंटिकल स्फेरिकल रॉक्स ईच कैरिंग द चार्ज 1 nC आर एट अ पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट ईच. ठीक है, हर एक का पोटेंशियल 900 वोल्ट है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 8 ड्रॉप्स को मिलाकर एक सिंगल ड्रॉप बनाई जाती है. तो हम देखेंगे, पहले तो ये देखिएगा कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस ऑफ ईच ड्रॉप, हर एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो सी इज इक्वल टू के आर हो गया. ठीक है, इन्होंने दे रखा है कि जो कैपेसिटेंस है वो स्फीयर के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दे रखा है, तो सी इज इक्वल टू के आर हो गया. अच्छा, आगे नोट करेंगे, चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप, चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप, जो छोटी ड्रॉप है उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, सी इंटू बी. तो ये जो 1 nC है, इस 1 nC को 2 मिनट के लिए छोड़िए. हमने कहा कि हर एक स्मॉल ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा, सी की वैल्यू तो बेटा के आर है, और वी कितना दे रखा है, 900 वोल्ट. तो चार्ज कितना हो गया, 900 kr. समझ में आ गया हो तो चले आगे भाई. चार्ज की वैल्यू कैपेसिटेंस की टर्म्स में यही तो होती है, q इज इक्वल टू cv. तो ये 900 kr हो गया. फिर हम कहेंगे कि चार्ज ऑन लार्ज ड्रॉप, जो छोटी ड्रॉप का चार्ज है इसको तो मान लिया Q, और जो लार्ज ड्रॉप का चार्ज है उसको मान लिया Q डैश. तो Q डैश जो लार्ज ड्रॉप है वो कैसे बनी, छोटी छोटी 8 ड्रॉप्स को मिलाकर बनी. तो अगर एक ड्रॉप का चार्ज 900 kr है या Q है, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 Q. तो ये हो जाएगा 8 × 900 kr, तो ये हो गया 7200 kr, ये Q डैश हो गया. उसके बाद छोटी छोटी जो ड्रॉप्स हैं, ऐसी छोटी छोटी 8 ड्रॉप्स मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनती है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप इज इक्वल टू 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं. अच्छा, और जो लार्जर ड्रॉप है उसका रेडियस हमने आर मान लिया, तो 4/3 πr³ इज इक्वल टू 8 × 4/3 π स्मॉल आर क्यूब. 4/3 π से 4/3 π कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब इज इक्वल टू 8 स्मॉल आर क्यूब. तो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 2r का होल क्यूब. तो कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 स्मॉल r. बताइए जी, ये चीज क्लियर हो गई, कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 2 स्मॉल r. तो अब कैपेसिटेंस जो है लार्जर ड्रॉप की, यस सर, हाँ जी, हम निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ लार्जर ड्रॉप. यही तो शायद पूछा गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप, सॉरी, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप. तो पहले कैपेसिटेंस निकालेंगे बड़े ड्रॉप की. बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, सी इज इक्वल टू, हम ये कहेंगे कि जब इन्होंने दे रखा है कि सी इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस को सी डैश मान लिया, सी डैश इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर. बताओ ये चीज समझ में आ गई, कि अब जो छोटे ड्रॉप्स का कैपेसिटेंस है जब वो उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस भी तो बड़ी ड्रॉप के रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा. ये दे रखा है हमने कि टेक द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर. तो अगर अगर मेरे पास अब स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो उसका कैपेसिटेंस कैपिटल आर के प्रोपोर्शनल हो गया, तो सी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. अच्छा जी, तो सी डैश इज इक्वल टू के
कैपिटल आर, तो सी डैश इज इक्वल टू के, कैपिटल आर कितना आया था 2R, के इंटू 2R। अच्छा तो सी डैश इज इक्वल टू ये हो गया 2KR, 2KR मतलब सी डैश इज इक्वल टू 2C हो गया। ये बताइए क्योंकि C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू ही तो KR है, तो C dash is equal to 2C हो गया। अब potential difference of large drop, therefore potential difference बोल दो या voltage बोल दो, potential difference of larger drop ये हम कैसे निकालेंगे कि भाई बड़े वाला जो drop है उसका मैंने charge ले लिया Q dash is equal to C dash into V dash, तो V dash is equal to Q dash upon C dash, और Q dash कितना है 7200 KR, और C dash कितना आया था ये वाला लेकर 2KR, 2KR, KR से KR कट गया, कितना आ गया 3600 volts। बताइए क्लियर है सभी को, क्लियर है तीनों को, बताइए। yes. ठीक है जी, इसके बाद में अगला टॉपिक लिखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये न्यूमेरिकल सफिशिएंट है, इसमें जो बेसिक कैपेसिटर के क्वेश्चंस आते हैं वो तो यही आते हैं। उसके बाद जैसा आपने 10th क्लास में करा था, 10th क्लास में आपने देखा था कि रेसिस्टेंसेस को सीरीज में और पैरेलल में लगाया करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर आप कैपेसिटेंसेस को सीरीज और पैरेलल में लगाओगे तो उस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी देखते हैं। पहले देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो बिल्कुल बेसिक कैपेसिटर होता है उसका डिजाइन क्या होता है, ये बता दो क्वेश्चन पूरा पूरा बता दो बेटा। आकृति, शिवांगी, अनिकेत, क्वेश्चन बता दो, आप लोग ऑनलाइन है? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? आकृति आवाज आ रही है? आज मुझे लग रहा है आकृति के यहाँ नेटवर्क इशू है, करो रिकॉर्डिंग तो क्लियर। अगला देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में नोट करें द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। The simplest and the most widely used, the simplest and the most widely used capacitor is the parallel plate capacitor। पहला पॉइंट, दूसरा लिखेंगे सर फर्क पड़ता है डिजाइन से कैपेसिटर के, क्या कह रहे हो? जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका नाम इसके डिजाइन पे पड़ा है ना? हाँ हाँ, फर्क पड़ता है मतलब डिजाइन से ज्यादा, डिजाइन से फर्क पड़ता है, डिजाइन से फर्क पड़ता है, वॉल्यूम फर्क, वॉल्यूम चेंज हो जाती है, वॉल्यूम चेंज हो जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। सर अगर सेम वॉल्यूम में डिफरेंट डिजाइन बने तब तो फर्क नहीं पड़ेगा ना? तो फर्क नहीं पड़ेगा। द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, इट कंसिस्ट ऑफ
two large plane parallel conducting plates consists of two large plane parallel conducting plates separated by a small distance. बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को ठीक से? यस सर। अच्छा, आकृति का मैसेज आया था कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। खत्म होगा लॉकडाउन, अभी सुना है 15 जून तक फिर बढ़ने वाला है। separated by a small distance that a is equal to area of each plate. अब देखिएगा that a is equal to area of each plate. b लिखिए distance between the two plates. excuse me sir. हाँ जी बताइए। सर इसको आप एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं भी बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन तो कर लिया था ना, क्वेश्चन तक तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, पहले नोट कर दो बस फटाफट। d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, फिर है सिग्मा यूनिफॉर्म surface charge densities on two plates for q is equal to total charge capital q total charge on each plate q is equal to total charge on each plate. अब देखिए इसमें ना इस तरीके से होता है कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स मतलब एक प्लेट ऐसे हो गई और दूसरी प्लेट वो ऐसे हो गई, ये दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला एरिया ऑफ ईच प्लेट, मतलब ये जो एरिया है इस प्लेट का और इस प्लेट का, ये जो एरिया है, एरिया ले लिया है कैपिटल ए, ठीक है। दोनों के बीच में, प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस लिया स्मॉल डी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि इसमें एरिया ए हो गया और पैरेलल प्लेट्स जो है, पैरेलल प्लेट्स पर मैं चार्ज बना दूंगा, इधर तो चार्ज हो जाएगा प्लस 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 और इधर चार्ज हो जाएगा माइनस 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 माइनस, मतलब एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल इस तरह से हैं, जैसे ये और ये। तो हमने ये कहा कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर होता है
The simplest and the most widely used capacitor is the parallel plate capacitor. Now, it consists of two large plain parallel conducting plates separated by a small distance. तो दो लार्ज पैरेलल प्लेट्स होती हैं कंडक्टिंग प्लेट्स, उन दोनों को एक डिस्टेंस, एक दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, जैसे वो डिस्टेंस हमने ले लिया d, इसका ऊपर वाले का भी एरिया a, नीचे वाले का भी एरिया a। उसके बाद हम नोट करेंगे कि देखिएगा, इन द आउटर रीजंस अबव द अपर प्लेट एंड बिलो द लोअर प्लेट, in the outer regions comma above the upper plate and below the आउटर रीजन अबव द अपर प्लेट एंड बिलो द लोअर प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द टू प्लेट्स कैंसल आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द टू प्लेट्स कैंसल आउट to the two plates cancel out. So stop. हम बोलेंगे net field is zero. Net field is zero. ऐसा क्यों हुआ? ऊपर वाले का electric field हमने ले लिया sigma upon 2 epsilon naught. क्यों? क्योंकि ऊपर positive है. ठीक है, और नीचे नेगेटिव चार्ज है नीचे वाली प्लेट पर, तो ये हो गया माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कहां से आया। जो हम प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया करते थे, तो प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन अगर आप देखेंगे तो यही आया था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ गया ऊपर वाली प्लेट का पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट का बिकॉज उस पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो E हो गया इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कैपेसिटर के बाहर प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से जीरो होगा। उसके बाद देखिए इन द इनर रीजन बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स the inner region between the two capacitor in the inner region between the two capacitor plates the electric fields the electric fields due to the two plates add up due to the two plates add up, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एड अप हो जाता है। उसका रीजन बताता हूं क्या है। उसका रीजन देखिएगा कि मैं ये बोलता हूं कि कोई भी मेरे पास कंडक्टिंग अगर सरफेस है, ये अगर कंडक्टिंग सरफेस है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी बाहर की तरफ, ये अगर कंडक्टिंग सरफेस है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो एक की डायरेक्शन हो गई सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ, एक की डायरेक्शन हो गई सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ। तो एक को पॉजिटिव मान लिया एक को नेगेटिव मान लिया, ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब इसी तरीके से अगर मैं बीच की बात करता हूँ, दोनों के बीच की बात करता हूँ, तो भैया ये हमें मालूम है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा दोनों का, ठीक है, उसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया,
सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और नीचे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया सभी को, क्लियरली समझ में आ गया ये बेटा? दोबारा बोलो, आवाज आ रही है अनिकेत आकृति, आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब जैसे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ये क्लियर? और इसके बाद नोट करेंगे therefore potential difference, therefore potential difference between the, therefore potential difference between the plates is equal to E into D, और यहां reason में लिख देना E क्या होता है, D upon R, R होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पर D दे रखा है, तो E into D, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट into D, तो सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल की, V is equal to सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम ये कहेंगे as we know that, as we know that q is equal to cv, therefore v is equal to q upon c, yeah, आप एक काम करिए यहां से c की वैल्यू निकालिए, ठीक क्या हो जाएगा Q upon V, और Q क्या होता है, Q जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज जब हम निकालते हैं तो देखिए ये सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो अगर पूरे एरिया पे चार्ज डेंसिटी फैली हुई है तो Q की वैल्यू होती है, सिग्मा की वैल्यू बताइए, चलो छोड़ो C is equal to Q upon V, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, याद है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, ऐसी लैम्बडा क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसी रो क्या होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं तो सिग्मा की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इट इंप्लाइज दैट क्यू कितना हो गया सिग्मा ए, देयरफॉर सी इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन वी, और इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर वन, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर टू, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर थ्री, C is equal to sigma A upon V अगर क्लियर है तो आगे बढ़ो। अरे क्या हो गया बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग, सर एक सेकंड वो सर ये पोटेंशियल डिफरेंस वाले बता दीजिए, अरे यहाँ तक क्लियर है सभी को बताइए, C is equal to sigma A upon V तक क्लियर है, yes sir, ये potential difference ठीक है वाले से एक बार बता दीजिए वो right वाला note कर लूँ, अरे वो तो मैं बता दूँगा रुक जाओ, देखो sigma होता है surface charge density, surface charge density होता है Q upon A charge per unit area, तो इसका मतलब चार्ज क्या हो गया सिग्मा इनटू ए, तो मैंने क्यू की जगह डाल दिया सिग्मा इनटू ए, तो सी कितना हो गया सिग्मा ए अपॉन बी, बोलो ठीक है सर, हाँ सर ठीक है, सी हो गया सिग्मा ए अपॉन बी, अब वी की वैल्यू इक्वेशन थ्री से यहां डाल देंगे, ये कहेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, तो सी इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन बी कितना है सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कट गया एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए
अपॉन डी। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। बताओ जी क्लियर है? जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स लिखा है, हां यस सर, वहां पे e into d है, तो e की वैल्यू तो जीरो निकाली थी ना हमने। ये तो बिटवीन द प्लेट्स की बात कर रहा हूं, बिटवीन द प्लेट्स e की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड द प्लेट तो जीरो है, तो आउटसाइड द प्लेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। ठीक है जी सर। अच्छा जी, अब इसके बाद आप क्या करें, इसमें एक क्वेश्चन नोट करिए, ये 2013 में आया है सीबीएसई में। चलिए बताता हूं, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस is connected across a battery. A capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volts. Battery of V volts. Full stop. The charge stored in it is the charge stored in it is 360 microcoulomb, full stop. When potential across the capacitor is reduced by, then potential across the capacitor is reduced by 120 volt, comma the charge stored in it becomes becomes 120 microcoulomb. Full stop. दिखाई दे रहा है ना, इधर से लाइट ऑफ करो, चार्ज लिखा हुआ है बस यहां पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। चार्ज लिखा हुआ, चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम, फुल स्टॉप। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है द पोटेंशियल कैपिटल वी एंड द अननोन कैपेसिटेंस कैपिटल सी, द पोटेंशियल कैपिटल वी एंड द unknown capacitance capital C. Second part hai, what will be the charge stored in the capacitor, what will be the charge stored in the capacitor
what will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by increased by 120 volt. If the voltage applied had increased by 120 volt. Question note करिए सबसे पहले तो. क्वेश्चन नोट करिए सभी. क्वेश्चन नोट कर लिया. हाँ जी, हम ये कहेंगे यहां पर देखिए, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट्स. तो हमने कहा कि लेट लेट द कैपेसिटेंस बी कैपिटल सी. ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट्स, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है. द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रो कूलम. तो Q इज इक्वल टू CV. Q इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू कितना दे रखा है 360 माइक्रो कूलम. माइक्रो का मतलब होता है 10^-6. ठीक है, अभी उन्होंने बोला when the potential across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored in it becomes 120 microcoulomb. इसका मतलब ये तो हमारा first equation हो गई. अब second equation करते हैं हम कि Q dash is equal to C into V minus 120. ठीक है, Q dash is equal to C into V minus 120. ये मैंने कर दिया. तो अब मेरा Q डैश यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 माइक्रो कूलम. 120 माइक्रो कूलम, बताइए ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया बेटा? अनिकेत, शिवांगी, आकृति, तीनों बताइए. यस सर, आ गया. यस सर. चलिए, अब मैंने बोला कि मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा. फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दूंगा. डिवाइड 1/2 फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए. तो CV अपॉन C इनटू V माइनस 120 इज इक्वल टू 360 इनटू 10^-6 अपॉन 120 इनटू 10^-6. 10^-6 से माइनस 6 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, C से C cancel. So V upon V minus 120 is equal to 3/1. Cross multiplication करेंगे
तो 3 into V minus 120 is equal to V into 1, मतलब V. तो 3V minus 360 is equal to V, V को इधर ले आइए. तो 3V minus V is equal to 360. तो V is, 2V is equal to 360. 180, V is equal to हो गया 180 volts. बताइए जी, इतना समझ में आ गया? V की वैल्यू आ गई 180 volts. और ये पूछ रहे थे ना, पोटेंशियल V, एक तो पोटेंशियल V निकालना है और एक अननोन कैपेसिटेंस C निकालना है. तो C भी निकल जाएगा इसी तरह से. आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए उसकी वैल्यू. हमने कहा put the value of V in equation 1. Put the value of V. हाँ जी सर, इसमें जो दोनों जो चार्ज थे वो तो अलग अलग थे, तो हमने डिवाइड कैसे कर दिया दोनों को? देखिए, पहली चीज को ये याद रखनी है कि कैपेसिटर कभी भी चेंज नहीं होता, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस रहता है सेम. ठीक है, हम उसमें वोल्टेज चार्ज ये सब चेंज कर सकते हैं. तो हम क्या हुआ कि पहले कैपेसिटर तो सी था और वोल्टेज भी था, तो तब चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 360 माइक्रो कूलम. फिर उन्होंने कहा कि वोल्टेज को 120 वोल्ट डिक्रीज कर दिया जाए अगर, तो चार्ज की वैल्यू 120 माइक्रो कूलम आ जाएगी. तो मैंने ये बताया कि मैं Q से Q डैश, Q को Q डैश से डिवाइड कर दूंगा, मतलब CV अपॉन C इनटू 1 माइनस 120 इज इक्वल टू 360 अपॉन 120. सिंपल. ओके सर. ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ V इन 1. V की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए, इसका मतलब CV इज इक्वल टू 360 माइक्रो कूलम पर है. तो C इज इक्वल टू 360 इनटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन कितना है 180 टू जा, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 क्या कैपिटल है फेराड, और माइनस 6 हटा दो तो ये हो जाएगा 2 माइक्रो फेराड. समझ गए, 10 की पावर माइनस 6 का मतलब होता है माइक्रो, तो ये हो गया 2 माइक्रो फेराड. उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो 2 माइक्रो फैराड आ रही. कैपेसिटर की वैल्यू अनचेंज्ड है, वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वोल्टेज उन्होंने बढ़ा दी. तो हम ये कहेंगे, अब ये पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड सेकंड पार्ट में. हम Q डैश को ले चुके हैं, Q डैश ले चुके हैं. सेकंड केस में Q डबल डैश इज इक्वल टू C इनटू V प्लस 120. ये बताइए, ये समझ में आ गया कि नहीं? जो Q था C इनटू V, ये तो फॉर्मूला है, Q का फॉर्मूला है C इनटू V. अब Q डैश जो है फर्स्ट केस में ये बता रहा है कि वोल्टेज इज डिक्रीज बाय 120 वोल्ट, तो C into V minus 120 हो गया. अब सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 120 वोल्ट. इंक्रीज मतलब 120 इसमें ऐड हो जाएगा और C कांस्टेंट है, इट विल रिमेन द सेम. तो अब क्या होगा, ये C की वैल्यू डालिए पहले तो यहां पर 2 into 10 की पावर माइनस 6, ये तो होगी वैल्यू C की. मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी 180, और इसको 120 बढ़ा दिया जाता है, तो 2 into 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 180 प्लस 120 कितना हो गया 300. तो 600 into 10 की पावर माइनस 6 कूलम, यानी कि 600 माइक्रो कूलम. 10 की पावर माइनस 6 हटा दीजिए, 600 माइक्रो कूलम, ये हो गया. बताइए, समझ गए तीनों? यस सर. चलिए जी, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ. यस सर. ठीक है जी. अब सर,
मैथ्स का पेपर कब होगा? हाँ बेटा मैथ्स का पेपर, हाँ आपका टेस्ट मैंने बोला था ना इन्वर्सिव ट्रिग्नोमेट्री का, मैं परसों ले रहा हूँ, मैं आज भी लेने वाला था, मेरे दिमाग से उतर गया, मैं मैसेज नहीं डाल पाया था। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं मैसेज नहीं डाल पाया था बेटा, फ्राइडे को ले लूंगा, फ्राइडे को, फ्राइडे फॉर श्योर, फ्राइडे को। ओके सर जी। अब नोट करिएगा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, बता दूंगी पूरा। सर एक सेकंड, एक सेकंड। यस सर। यस सर। आप लोगों को अच्छा आप लोगों को ध्यान होगा कि 10th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी कि पैरेलल जो होता है सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज वैरी करती है सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन जस्ट अपोजिट। हां जी सर, जस्ट अपोजिट होता है पैरेलल के केस में। एक मिनट रुक जाओ, एक चीज रिकॉल करो जरा फटाफट और मैं नोट कर देता हूं यहां पर। इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम बट वोल्टेज वेरीज, ठीक है। नोट कर लो, याद है 10th का तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। सीरीज करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज वेरीज इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम बट करंट वेरीज, हाँ जी ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और उसके बाद आप लिखिएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, कॉम्बिनेशन of capacitors combination of capacitors दो तरह का combination होता है, पहला series और दूसरा parallel, पहला series और दूसरा parallel। अब याद रखिएगा करंट जो होता है, करंट का अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद हो तो करंट होता था चार्ज अपॉन टाइम टेकन, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन, इट इंप्लाइज दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। इस स्टेटमेंट को फर्स्ट लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैंने सीरीज कनेक्शन में ये बोला करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज वेरीज, इसका मतलब क्या है, करंट अगर सेम है तो भैया चार्ज भी सेम रहेगा, समझ गए, करंट अगर सेम है तो चार्ज भी सेम रहेगा, करंट की बेसिक डेफिनेशन होती है चार्ज अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब इसके बाद मैं सीरीज कनेक्शन की बात करता हूँ, तो सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जिसमें कोई भी कॉम्पोनेंट बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं, तो सीरीज में देखिएगा
सीरीज में जो हमारे कैपेसिटेंसेस हैं वो ऐसे कनेक्टेड है. और ये एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है प्लस माइनस बी. ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि जो पहला कैपेसिटर है इसको बोल दीजिए सी वन, दूसरे कैपेसिटर की वैल्यू को सी टू, तीसरे कैपेसिटर की वैल्यू को सी थ्री. इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है वी वन, इस कैपेसिटर सेकंड वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी टू है, और थर्ड वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज है बेटा वो है वी थ्री. वी वन, वी टू और वी थ्री, इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है ना, हमने कहा वोल्टेज वैरी करती है, तो वोल्टेज वैरी किस तरह से करेगी, भाई कैपेसिटर सी वन में वोल्टेज है वी वन, कैपेसिटर सी टू में वोल्टेज है वी टू, और कैपेसिटर सी थ्री में वोल्टेज है वी थ्री. तो टोटल वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी, वो तो वी के बराबर ही हो जाएगी, वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. ठीक है भाई, सारा का सारा वोल्टेज जो पूरा सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई करा है वो तो वी है. ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैंने बोला सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में करंट रिमेन सेम. करंट रिमेन सेम का मतलब क्या है, करंट रिमेन सेम का मतलब क्या है कि चार्ज भी सेम रहेगा. तो चार्ज सेम का मतलब क्या है बेटा कि यहां पर भी चार्ज रहेगा क्यू, यहां पर भी चार्ज रहेगा क्यू, और यहां पर भी चार्ज रहेगा क्यू. तो आप सीधा सीधा देखिएगा, सिंस क्यू इज इक्वल टू सी वी, देयरफॉर Q is equal to CV, it implies that V is equal to Q upon C. तो Q upon C का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं V1 निकालूंगा तो V1 क्या हो जाएगा, Q upon C1. V2 क्या हो जाएगा, Q upon C2. और V3 क्या हो जाएगा, Q upon C3. तो सीरीज में हमारा V1, V2, V3 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3. V की वैल्यू लिखिए, V की वैल्यू होती है Q अपॉन C, तो V को यहां पर लिखो Q अपॉन C. V1 की वैल्यू Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू Q अपॉन C2, और V3 की वैल्यू Q अपॉन C3. ठीक है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सॉरी, क्यू निकाल दो कॉमन, क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू क्यू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री. क्यू से क्यू कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री. ये होता है सीरीज में आपका, जब कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकलता है, 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. और याद करिए ये तरीका रेसिस्टेंस निकालने का होता था, जब रेसिस्टेंस पैरेलल में होते थे तो जो पैरेलल वाला फंडा होता था वो यहाँ सीरीज में लगेगा, और जो सीरीज वाला फंडा होता था वो यहाँ पैरेलल में लगेगा. ये नोट कर लीजिए फटाफट, टाइम हो गया फिर आज मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास रखी है. बताइए जी, समझ में आ गया कि सीरीज में, क्योंकि सीरीज में जो फंडा होता है, क्योंकि सीरीज में करंट रिमेन सेम एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, देयरफॉर सीरीज में चार्ज भी सेम रहेगा. सीरीज में वोल्टेज वेरी करता है, तो इसका वोल्टेज अलग हो गया V1, इसका वोल्टेज अलग हो गया V2, इसका वोल्टेज अलग हो गया V3. टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 plus V2 plus V3 is equal to V. और यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू डालकर आंसर निकाल दिया. बताइए ये रिलेशन क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है? यस सर. चलिए जी, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, अब मैथ्स वाले ग्रुप पर डाल रहा हूँ, अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है, चलिए जी, ओके. मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा.